वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 4 जिलों और उत्तर प्रदेश के 1 जिले से गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य उनके शौर्य और बलिदान को याद करते हुए जन जन तक पहुंचना है। गौरव यात्रा का समापन 27 जून 2023 को शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किया जाएगा। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री पंकज तेकाम ने बताया कि डिंडौरी में 3 गौरव यात्रा गुजरेगी। पंकज तेकाम ने कहा कि बालाघाट से निकलने वाली गौरव यात्रा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह हरी झंडी देकर रवाना करेंगे और इस यात्रा के प्रभारी फग्गन सिंह कुलस्ते रहेंगे। यात्रा 23 जून को डिंडौरी में विश्राम करेगी तथा दूसरे दिन 24 जून को समनापुर से सागर टोली होते हुए शहडोल के लिए रवाना होगी। वहीं छिंदवाड़ा जिले से आने वाली गौरव यात्रा मंडला से होते हुए 24 जून को बिछिया पहुंचेगी और रात्रि विश्राम करेगी। पंकज तेकाम ने बताया कि तीसरी यात्रा दमोह जवेरा से प्रारंभ होगी और 24 जून को जबलपुर कुंडम होते हुए दोपहर को शाहपुरा पहुंचेगी। इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 5 यात्राएं चलेंगी, उन 5 में से 3 यात्राएं डिंडौरी जिले को होती हुई निकलेंगी। पहली जो यात्रा बालाघाट से प्रारंभ होगी वो 23 तारीख को डिंडौरी विधानसभा होते हुए पुष्पराजगढ़ शहडोल की रवाना होगी। इस यात्रा में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी और प्रदेश स्तर से जो भी नेता इस पूरे कार्यक्रम में तय होंगे वे उनका यहाँ मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। दूसरी यात्रा जो छिंदवाड़ा से प्रारंभ होगी वो सैपुरा विधानसभा होते हुए शहडोल में उसका समापन होगा। उसके पश्चात जो तीसरी यात्रा है जबीरा दमोह से जो प्रारंभ होगी वो भी सैपुरा होते हुए वो भी शहडोल में उसका समापन होगा। इस प्रकार से वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान को याद करने के उद्देश्य से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पूरी यात्रा में अपना योगदान दे रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।